ठेकड़ी से हम लोग आज निकलेंगे कोवलम की ओर। ठेकड़ी से कोवलम का डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर का है, जिसमें 158 किलोमीटर का डिस्टेंस है जटायु और सेंटर का, जहां हम लोग घूम के आएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे कोवलम बीच, जहां आज हमारा नाइट स्टे होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन कोवलम। तो दोस्तों, कोवलम एक समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पर आपको घूमने के लिए कोवलम बीच है, लाइट हाउस बीच है, हवा बीच है, ये तीनों ही बीच एक साथ हैं। इसके अलावा हम लोग पद्मनाभ स्वामी टेम्पल घूमेंगे, जो कि वर्ल्ड का रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है, जिसका डिस्टेंस कोवलम बीच से लगभग 15 किलोमीटर है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल घूमने के बाद हम लोग अजीमाला टेम्पल घूमेंगे, जहाँ 58 फीट की लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, जो कि पूरे केरला में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि जब भी आप अपना स्टे चुनें तो कोवलम बीच पे ही चुनें, क्योंकि यहाँ से सारी जगह बहुत पास पड़ती हैं। आप लोग यहाँ पर फ्लाइट से और ट्रेन से दोनों से आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर पड़ता है वो पड़ता है त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहने वाला है त्रिवंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये दोनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोवलम बीच के पास में ही है। तो ठेकड़ी से कोवलम की ओर जाने पर हम लोगों को दिख जाता है रेड बनाना, तो हम लोग रेड बनाना खाने के लिए चले जाते हैं शॉप पे। तो लगभग 158 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद और 5 घंटे की लंबी राइड के बाद हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर। इसे जटायु नेचर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सो अभी हम जाते हैं यहाँ पर, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि जितना हमने टीवी में देखा है उससे कितना सुंदर और है, क्योंकि जो भी चीज़ हम टीवी में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुंदर होती है जब हम उसको रियल में देखते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर इट। और हम पहुँच गए हैं टिकट काउंटर पर, जहाँ पर हमने 250 रुपये की टिकट ली है, जिसमें केबल कार के प्राइस इंक्लूड नहीं है। अगर केबल कार वाली टिकट लेते तो 450 रुपीस की पड़ती। जटायु अर्थ सेंटर के फोर हिल्स पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसको मेंशन करा हुआ है राइट साइड में। फाइनली हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 826 सीढ़ियाँ होने वाली हैं, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। तो चलते हैं अपने ट्रैक पे। और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं जटायु स्कल्पचर पे। देखिए, थोड़ा थोड़ा हमें पांव दिखने लग गए हैं। देखिए कितना अच्छा शेडो बन रखा है झाड़ियों से। हाँ, नेचुरल शेडो। यहाँ पर आपको केबल कार ड्रॉप करती है, देख सकते हैं। जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था है, कूड़ेदान है, इसीलिए कूड़ा कूड़ेदान में डालें। ये सुपर व्यू यहाँ से देखिए, कितना सुपर व्यू आ रखा है। और ये केबल कार जाती हुई नीचे को। लास्ट 50 मीटर्स। और इसी के साथ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जटायु अर्थ सेंटर के टॉप पे, और सामने है हमारी ये विशाल काय जटायु जी की मूर्ति। इस मूर्ति में हर एक एक चीज को बड़ी बारीकी से बनाया गया है। जटायु जी की ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है। ये मूर्ति 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ है,
और ये पूरे 65 एकड़ में फैला हुआ है। जटायु अर्थ सेंटर वुमन सेफ्टी और ऑनर के लिए डेडिकेट किया गया हुआ है। इस जटायु जी की मूर्ति हमें बताती है जिस प्रकार महिला सुरक्षा के लिए जटायु जी ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, उसी प्रकार हमें भी महिला सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और यहाँ की सुंदरता आपको देखने के लिए आपको इसके चारों तरफ घूमना पड़ेगा। इसके हर तरफ जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मूर्ति के जो पीछे की साइड है वहाँ पर आपको रामचंद्र जी का मंदिर और साथ में उनके पदचिन्ह भी मिल जाते हैं। ये हमारा जटायु, जटायु जी को देखता हुआ आप भी ऐसी जटायु जी करिए उल्टा हो गया। आज हम लोग जा रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कल हम लोग जिस होटल में रुके थे वो सी व्यू होटल था। आप लोगों को 1500 से 3000 में अच्छा सी व्यू होटल मिल जाता है जिसकी लोकेशन भी अच्छी होती है और ये होटल 3 स्टार होटल होते हैं। और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और यहाँ पर पीछे की साइड पड़ता है इसके बस स्टैंड और जस्ट बगल में इसके है केरला बैंक। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल वर्ल्ड का रिचेस्ट हिंदू मंदिर है। इसमें टोटल 7 तहखाने हैं जिसमें से 6 तहखानों को भारत सरकार ने खोल दिया है और 1 तहखाना आज भी रहस्य है। माना जाता है इस तहखाने की रक्षा करोड़ों सर्प करते हैं। हम लोग आ गए हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर, दर्शन हम लोगों ने कर दिए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए बाहर से ही आपको बताया। यहाँ पर विष्णु भगवान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। बस थोड़ा सा ध्यान से देना देखना पड़ता है कि अंधेरा होता है थोड़ा सा अंदर, तो जब भी आए केयरफुली थोड़ा मंदिर में मूर्ति की तरफ ध्यान थोड़ा ज़्यादा दें, यही मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर है लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इवन पाँव रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 4 द्वार हैं, पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार। इस मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती तथा स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के आसपास की दुकानों में ही आप लोगों को साड़ियां और धोतियां मिल जाती हैं। मंदिर के पास में ही क्लॉक रूम बने हुए हैं जहां पर आप लोग अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग मार्केट घूमते हैं और मार्केट में घूमने के बाद हमें लग जाती है बहुत जोरों की भूख। खैर हमें भी आके लड़की को पंजाबी खाना खाया तब जाके मज़ा आया। नखरे देखो नखरे और पेट भर खाना खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अजीमाला टेम्पल की ओर। अजीमाला टेम्पल का डिस्टेंस कोवलम बीच से लगभग 7 किलोमीटर का है। अजीमाला टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। यहाँ पर आने के लिए आपको लोकल ऑटो रिक्शा भी मिल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अजीमाला टेम्पल। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलाकृति करी गई है दीवारों पर और 20 रुपये की टिकट लेके हम लोग पहुँच गए हैं अजीमाला टेम्पल के मंदिर परिसर में। और कोवलम की तेज़ धूप का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लड़की इतने सुंदर मंदिर होने के बावजूद भी फ़ोटो खिंचवाने नहीं आ रही है। फ़ोटो खिंचवानी है आपने? अजीमाला टेम्पल से निकल के हम लोग पहुंच जाते हैं लाइट हाउस बीच और ये है लाइट हाउस का टिकट काउंटर, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं लाइट हाउस देखने के लिए। लाइट हाउस के पास ही लाइट हाउस बीच है और उसके बगल में ही कोवलम बीच भी है। तो इसके बाद हम लोग लाइट हाउस बीच में जाएंगे क्योंकि शाम होने वाली है और लगभग 4:30 बज चुके हैं।
जो ये लाइट हाउस है इसका जो मेजर यूज़ होता है वो होता है नेविगेशन के लिए। जितनी भी शिप्स या बोट्स होती है नाइट में वो तटीय इलाकों में आती है, तो उस टाइम पे इसकी नेविगेशन की बहुत ज़्यादा मेजर वर्क होता है। लाइट हाउस यानी कि दीप स्तंभ, इसके जस्ट सामने है कोवलम बीच जो बहुत सुंदर दिख रहा है अभी। तो चलिए चलते हैं लाइट हाउस के ऊपर और वहाँ से देखते हैं वहाँ के नज़ारे, और इन सीढ़ियों से हमें लाइट हाउस के ऊपर जाना है। अभी हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ पैदल पैदल, आप लिफ्ट्स के थ्रू भी आ सकते हो बट पैदल आने का मज़ा अलग होता है। और ये देखिए खिड़कियों से समुंदर का नज़ारा ही अलग है। ये ऊपर लाइट हाउस की तरफ जा रही है। And this is the top view for lighthouse. और लाइट हाउस के ऊपर से ये नज़ारे देख के दिल से एक ही आवाज़ आई कि पैसा वसूल है बॉस। ये है लाइट हाउस बीच और ये है टॉप व्यू लाइट हाउस और कोवलम बीच के होटल का। कोवलम का मतलब ही होता है नारियलों का बाग, और देख सकते हैं आप कितने सारे नारियल के पेड़ हैं यहाँ। यहाँ से उतरना है अभी नीचे ही, और स्लोली स्लोली लिफ्ट से भी आप लाइट हाउस से ऊपर आया नीचे जा सकते हैं। देखिए जैसे अभी हमने पैदल आए थे लेकिन हम जा रहे हैं लिफ्ट से नीचे। लिफ्ट से नीचे उतरने के बाद हमें दिखता है ये मैप, और साथ में साथ हमें दिखता है ये बोर्ड जिसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है विजिनजम लाइट हाउस के बारे में। तो इसकी पोजीशन जो भी है, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं जो भी इसकी पोजीशन है वो बताई गई है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि किस किस जगह में केरला में कितने लाइट हाउसेस हैं, उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं। जस्ट कोवलम बीच के पास ये कोवलम और लाइट हाउस बीच दोनों पास पास हैं। थोड़ी देर पहले हम कोवलम बीच के पास थे, कल भी हम कोवलम तरफ थे, आज हम आए लाइट हाउस बीच पे। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे नज़ारे, और लोग देखिए कितना अंदर डीप में जा जा के नहा रहे हैं, जिसको तैरना आता है एट हिज ओन रिस्क यू कैन से, बट नहीं जाना चाहिए इतना डीप, क्योंकि समुंदर की वेव कभी भी तेज़ हो जाती है। आप देख सकते हैं कभी भी बहुत तेज़ है, तूफान बहुत ज़्यादा है समुंदर पे। So we will definitely enjoy after this. आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोवलम का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। जिन्होंने अभी केरला सीरीज की बाकी वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके केरला सीरीज की वीडियो देख सकते हैं, और अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए। जय हिंद जय भारत।